चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान बलवंत सिंह फोगाट हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता होगा 16 तारीख को एक कॉल आई है भारत बंद करने की, ऐसे में जो खाप पंचायतें हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जी चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो विपिन भाई आपको नमस्कार, आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जी 16 तारीख को क्या कुछ रहने वाला है प्रधान जी, अगर बात की जाए तो आपों की तरफ से? देखो विपिन भाई, जैसे ये 13 तारीख का जो दिल्ली का कूच था, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सम्मानित किसान भाइयों के ऊपर जो सरकार ने आंसू गैस के गोले दागे और जो उनके जैसे चोट भी लगी है काफ़ी किसानों के ऊपर, और कई पुलिस अफसर भी बहुत ही मतलब बेउद्दगी के साथ उन्होंने किसानों को लाठी मारने के लिए कहा है, तो सबसे पहले मैं पूरी सर्वजातीय खाप फोगाट 19 की तरफ से इनकी बहुत निंदा करता हूं सरकार की, कि ऐसा ये काम नहीं करना चाहिए था। किसान देवता है, उसके साथ जाति नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम पूरी खाप की तरफ से इस घटना की निंदा करते हैं, बहुत निंदनीय काम हुआ है। और जैसे आप खापों की पूछ रहे हो, तो आंदोलन जैसे 1.5-2 साल के करीब हो गया आंदोलन स्थगित हुआ था, और इस सेंटर की सरकार ने, मोदी सरकार ने उस टाइम पे भी जैसे कमेटी की बातें कही थी, आंदोलन में जो मुकदमे थे उनको वापस लेने की बातें भी हुई थी, और जैसे भाई जो हमारे 750 किसान जो शहीद हो गए थे उनके परिवारों को आर्थिक मदद और उनके परिवार को सरकारी नौकरी, ये सभी बातें हुई थी उस टाइम। बकायदा होम मिनिस्ट्री से एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर में सभी मांगों को मान के कमेटी बनाएंगे MSP के लिए, और उस कमेटी के अंदर जैसे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आदमियों को भी शामिल करेंगे और कोई बात करेंगे। लेकिन 1.5-2 साल हो गए, आज तक उस कमेटी की ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई मुकदमे फारिग हुए, ना कोई हमारे सम्मानित किसानों को मुआवजा मिला, उनको आर्थिक मदद नहीं मिली, ना नौकरी मिली। तो कितनी वेट करें किसान। अब आप देख रहे हो कि जैसे 13 तारीख का दिल्ली आने का प्रोग्राम था सारी किसान बिरादरी का, तो दिल्ली आने का तो हक सबका है, और उनको रोकने के लिए जैसे पहले 1.5-2 साल पहले भी उन्होंने बैरिकेड्स लगाए किले गाड़ी रस्ते में, पता नहीं कितने मतलब ऐसा काम किया जैसे तो भाई कोई दूसरी सीमा के देश के दूसरे देश के आदमी हमारे देश के अंदर एंट्री कर रहे हैं। प्रधान जी बात की जाए तो कल चरखी दादरी में भारत बंद का कितना असर देखने को मिल सकता है? देखो जैसे ये कल 16 फरवरी की कॉल थी, SKM की कॉल है, तो SKM की कॉल जैसे पिछले आंदोलन के दौरान भी आया करती, उन सभी मतलब उस कॉल को निभाया करते और खापों का समर्थन रहा आंदोलन के अंदर, खापों ने हमेशा सपोर्ट करी, आंदोलन को तेज गति दी। तो कल का भी जैसे भाई हैं जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी कर्मचारी संगठन हैं और किसान संगठन हैं, खाप हैं, सब भाई मिलजुल के ही मतलब एक इस कॉल को निभाएंगे, इसको पूरी करेंगे। तो कल हमने तो तकरीबन हमारे आसपास के जो गाँव थे उन सब में सूचना दे दी है सबको कि भाई कल जैसे 2 घंटे का मेरे ख्याल से टोल फ्री करवाने का, तो कल वहाँ जाके इस कॉल को निभाएंगे पूरा। चरखी दादरी में दादरी के नज़दीक 2 टोल लगते हैं, एक कितलाड़ा टोल और एक मोरवाड़ा टोल, तो ऐसे में ये बताएं कौन कौन से टोलों पर खाप पंचायत और किसान पहुँचेंगे? देखो हमें तो जैसे इस मोरवाड़ा टोल के बारे में सूचना मिली है कि भाई जितने दादरी जिले के अपने किसान संगठन हैं वो जैसे गाँव में जाके लोगों से संपर्क भी करके आए और उन्होंने मोरवाड़ा टोल की ही बताई है, तो हम तो हमारी खाप तो मोरवाड़ा टोल पे ही जाएगी। और इस किसान आंदोलन जैसे पार्ट 2 जो चला है इसके अंदर जितनी भी मदद होगी खापों की, पहले भी मदद करते आए हैं, खाप समर्थन में रही हैं, और जो मांग है उनकी भी बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि खाप के अंदर जो भाई हैं वो सारे किसान से ही तो संबंधित हैं, खाप भी तो एक किसान ही है, किसान से संबंधित हैं सभी भाई, खेती करते हैं, तो उनकी जायज़ मांग है उन किसान आंदोलन पार्ट 2 के हम साथ हैं बिल्कुल। प्रधान जी बात की जाए तो जिस जो पूरे भारत देश का पेट भरता है अन्नदाता, उसको रोकने के लिए जिस तरह से सड़कों पर कील बिछा दी गई है, पत्थर रख दिए गए हैं, बैरिगेटर्स लगा दिए गए हैं, पुलिस की फौज लगा दी गई है,
आप इस पूरे नजरिए को किस तरह से देखते हैं? ये देखो, एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जैसे अब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री साहब ने बल्कि इनको बुला के इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, और ऐसे रास्ता रोकने से और जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को अनसुना करने से कोई समस्या का नहीं होगा। हम तो यही कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि आपने वादा किया था पूरी किसान बिरादरी से भारत की, तो उन किसान बिरादरी से जो वादा किया उस वादे को जल्द से जल्द निभाओ। तो किसानों की मांग इन्होंने जल्द से जल्द माननी चाहिए। और जैसे बैरिकेड्स वगैरह लगा रहे हैं, पुलिस अफसर भी ऐसी भद्दी भाषा में किसानों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही घोर निंदा की बात है। तो किसान तो पूरा देश का अन्नदाता है, और किसान से ही और जवान से और पहलवान से ही देश की पहचान है जी। तो हम तो यही कहेंगे सरकार से जल्द हमारे किसान भाइयों की बात को मान के और इनकी मांगों को मान के इनको बड़ी इज्जत के साथ इनको अपने खेतों में इनकी वापसी की जाए। जैसा कि पिछले टाइम भी 13 महीने तक किसान आंदोलन चला था और जो खाप पंचायतें हैं वो डटी रही थी मैदान में, आगे भी इसी तरह से जो खाप पंचायतें हैं वो लगातार किसान आंदोलन का समर्थन करती रहेंगी। हालांकि हमेशा से आपने देखा होगा जिस आंदोलन से खाप पंचायतें जुड़ती हैं उस आंदोलन को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ चलाने के लिए खाप पंचायतों का अहम योगदान रहता है, और खाप पंचायतें समाज के अंदर एक भाईचारा स्थापित करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में फोगाट खाप के प्रधान बलवंत सिंह फोगाट का कहना है, पिछली बार की तरह खाप पंचायतें अब की बार भी किसानों के साथ मैदान में उतरेंगी और उनका समर्थन करती रहेंगी, क्योंकि उनकी मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।